मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। बगावत के संकेत ना समझ पाने पर खामियाजा भुगत सकते हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा कायम। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्यपाल कोश्यारी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। वाला मर्डर केस में विश्नोई की आधी रात कोर्ट में पेशी, 27 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ाई गई। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म। 5वें दिन 10 घंटे सवाल करने के बाद मिला 30 मिनट का ब्रेक, आज नहीं होगी पूछताछ। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी, पुलवामा बारामूला एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। प्रधानमंत्री से मिले तीनों सेना प्रमुख, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ से पीएम ने 30-30 मिनट की बात। अग्निपथ स्कीम पर हुई चर्चा। मार्च के बाद फिर एक्टिव केस 80,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,150 नए मरीज मिले, 13 लोगों की मौत। तेरह साल के बच्चों का पेरेंट्स पर साइबर अटैक, माँ बाप के अकाउंट से अश्लील फोटो पोस्ट की, पूछा तो बोला जासूसी हो रही। एमपीपीएससी के पेपर में बवाल वाला सवाल पूछा, क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? चेयरमैन बोले इस सवाल के नंबर काउंट नहीं होंगे। असम पहुंचा महाराष्ट्र संकट, पार्टी विधायकों के साथ असम पहुंचे एकनाथ शिंदे, साथ में 2-3 विधायकों के होने क्या किया दावा। महाराष्ट्र संकट को लेकर एकनाथ शिंदे का दावा, 46 एमएलए साथ में नहीं छोड़ेंगे पार्टी, बढ़ाए बाबा साहेब ठाकरे की विरासत। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मुठभेड़, 3 जवान शहीद, सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ड्यूटी पर निकली थी। द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट, जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। कश्मीरी नीलम ग्लोबल मार्केट में होगा नीलाम, पत्थर रेंज में है 5,000 करोड़ का भंडार। कानपुर में 85,000 घरों पर लगेगा टैक्स, जीआईएस सर्वे के बाद नई संपत्ति का हुआ सर्वे, 58 करोड़ रुपए वसूलेगा नगर निगम। बरेली में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन, एएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रामपुर रोड में मिलेगा जॉब मेला। विकास दुबे के भांजे लेखपाल को डीएम ने हटाया, भू माफियाओं से मिली भगत के मामले में एक और सस्पेंड। आगरा में बालक के अपहरण का प्रयास, लोगों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। सोनभद्र में हर्ष फायरिंग में सेना के जवान की मौत, अस्पताल लाने वाले फरार।
पत्नी को क्या किस तो लोगों ने पीटा, अयोध्या की राम की पैड़ी में स्नान करते समय डंडों से पीटा। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में करेंगे मतदान। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिन रामपुर में रहेंगे। चंदौली में युवाओं से पूर्व सैनिकों की अपील, बोले सकारात्मक पहले से मिलेगी मंजिल, बहकाने वालों से बनाए दूरी। आगरा में घर से भागकर बॉर्डर पहुंचा मनोरोगी, बीएसएफ ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा प्रयागराज जंक्शन, उत्तर मध्य रेलवे की ओर से शुरू हुई तैयारी। अमरोहा में दुष्कर्मी को उम्र कैद, नाबालिग के साथ किया था रेप, 33,000 का लगा जुर्माना। बिजनौर में शादी का झांसा देकर बीए की छात्रा से रेप, 5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सुल्तानपुर में विदेश भेजने के नाम पर यह जालसाज चला रहे रैकेट, 50 से अधिक बेरोजगारों को बनाया ठगी का शिकार। पर चौथी पत्नी ने लिखवाया मुकदमा, बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम भी एफआईआर में शामिल। सहारनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, हरियाणा सहित यूपी के 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अग्निपथ पर युवाओं के समर्थन में वरुण, ट्वीट कर कहा मुकदमे की धमकी से डरा रही सरकार। कन्नौज जिला अस्पताल में व्यवस्था बदहाल, बिजली गुल, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का हो रहा इलाज, अधिकारी मौत। बरेली में यूपी के सालवर गैंग पर एसटीएफ का शिकंजा, 6 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर कई माफियाओं पर नजर। मथुरा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की कार्रवाई, मथुरा में पनीर प्लांट पर छापा। कौशाम्बी में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत, बालू लदे डंफर से बाइक ने मारी टक्कर। बहराइच में शादी समारोह में खाना कम पड़ने पर भीड़े बाराती, मारपीट में आधा दर्जन घायल। भदोही में किसान सभा ने अग्निपथ योजना का किया विरोध, डीएम को दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। फर्रुखाबाद में फेसबुक पर मिली लड़की से शादी करने पाकिस्तान पहुंचा शख्स, अब ग्रैंड वेलकम की हो रही तैयारी। आगरा में सपा के पूर्व विधायक की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। फिरोजाबाद में शादी की पहली वर्षगांठ पर युवक ने की आत्महत्या, पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर दी जान। आजमगढ़ बेटे ने पिता और भाई को मारी गोली, मौत, प्रॉपर्टी में बंटवारे और खर्च को लेकर हुआ था विवाद, घटनास्थल पहुंचे एसपी, आरोपी हिरासत।
मेरठ में शक्की बाप ने बेटी को मार डाला, पिता ने मुंह दबाया और चचेरे भाई ने मारी गोली, बोला चाल चलन से घुट रहा था। मुरादाबाद में सीएम के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं में चले लात, घुसे हवाई पट्टी पर भाजपा नेता रामवीर सिंह और गिरीश वर्मा में मारपीट। मानपुरी में सीएम योगी ने चकबंदी अधिकारी को किया निलंबित, 15 दिन पहले अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। बदायूं में एसिड अटैक के आरोपी सिपाही को क्लीन चिट, महिला होमगार्ड ने दो लोगों पर लिखाई थी एफआईआर। शूटर प्रियव्रत का देहरादून कनेक्शन, किराए के कमरे में चार युवकों के साथ बनाया गया था गायक की हत्या का पूरा प्लान। सोनिया की ईडी में पेशी के पहले प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली बुलाया, अग्निपथ योजना के विरोध का बुना जाएगा ताना बाना। हरिद्वार में कुत्ते का आतंक, 25 लोगों को काट कर किया घायल। उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय पार्क में दर्दनाक हादसा, मिट्टी निकालते समय 5 महिलाएं दबी, एक की मौत। गिरी दर्शन के बाद नेपाल के सिद्धि बाबा दर्शन को गए भारतीय श्रद्धालुओं में मारपीट। आईएएस रामविलास यादव को हाई कोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक के दायरे की थी याचिका। केदारनाथ हेमकुंड साहिब चंडी देवी में तुरंत पहुंचेंगे श्रद्धालु, रोपवे को वन्य जीवन बोर्ड की हरी झंडी। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पर बीजेपी नाखुश, मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को कुत्सित मानसिकता बताया। आफत की बारिश, सौंग नदी में नहाने उतरे 8 लोग, जलस्तर बढ़ने से टापू में फंसे, पुलिस ने बचाया। अग्निपथ भर्ती योजना की आंच में झुलसने लगे कारोबार, पर्यटन से लेकर रोडवेज बसों पर असर। विक्रम हत्याकांड में मुख्य आरोपी न पकड़े जाने पर रोष, ग्रामीणों ने एसओ कालसी से आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। अल्मोड़ा में भाजपा नेता विजय वर्गीय के बयान के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन, भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी की। अल्मोड़ा में लोदिया खान के पास खाई में गिरी ऑल्टो, हादसे में अधेड़ की मौत। हल्द्वानी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, मामले में 3 पुलिसकर्मी दोषमुक्त, एक को हुई सजा। उत्तराखंड के टनकपुर में रेलवे ने 102 अतिक्रमणों पर चलाया बुलडोजर, प्रभावित लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का किया विरोध। अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई तबाही, कम से कम 250 लोगों की मौत। यूक्रेन ने रूस की एक मिसाइल और 2 ड्रोन गिराए, अब तक 34,000 रूसी सैनिक ढेर।
ईरान से जंग की तैयारी में जुटी इजराइल, पश्चिमी एशिया में बना रहा अपना नाटो एमईएडी। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्म गुरु प्रो फ्रांसीसी का बड़ा बयान, कहा शादी से पहले सेक्स न करना सच्चे प्यार की निशानी। इथियोपिया में भयंकर गोलीबारी में 320 लोगों की मौत, हमले के पीछे ओरोमो लिबरेशन आर्मी का हाथ। मालदीव में योग दिवस कार्यक्रम में उपद्रव, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने योग कर रहे लोगों पर धावा बोला, राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। श्रीलंका में धन संकट को लेकर संसद में सत्र की कटौती, 4 के बजाय 2 दिन ही चलेगा सत्र। यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए रूसी पत्रकार ने नीलाम किया नोबेल पुरस्कार, 10.35 करोड़ डॉलर में बिका। चीन के वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस, निजी वार्ता में WHO महानिदेशक ग्रेबोएसिस ने माना। रेल हड़ताल को रोकने के लिए पीएम जॉनसन ने की समझौते की अपील, सोमवार शाम को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सेवाएं प्रभावित। होम लोन लेना हुआ महंगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, अब 7.50% पर मिलेगा लोन। आउटेज से कई वेबसाइट डाउन, जेरोधा अब स्टॉक पर, यूजर्स को ट्रेंडिंग में आई परेशानी। CBI की बड़ी कार्रवाई, OPG सिक्योरिटीज के मालिक संजय गुप्ता को किया गिरफ्तार। एयरलाइन प्रमुख बोले, अगर टाटा समूह एयर इंडिया को पटरी पर नहीं ला सकता तो कोई नहीं कर पाएगा ऐसा। एलन मस्क की ट्विटर डील को बोर्ड ने दी हरी झंडी, कंपनी की $44 बिलियन की डील को मंजूरी देने की सिफारिश की। अमेरिकी इकोनॉमी पर मंदी का संकट, एलन मस्क और बिल गेट्स के साथ कई बड़े लोगों को सता रहा मंदी का डर। विरोध का असर, प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स से जुड़े कानून को बदलेगी ब्रिटिश सरकार। मंदी के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट ने किया वर्कफोर्स घटाने का फैसला, पैकेज के साथ ही करियर में मदद करने का भी किया दावा। प्रोशेयर्स ने लॉन्च किया बिटकॉइन के प्राइस में कमी का दावा, लगाने वाले ETF इन्वेस्टमेंट को हेज करने का मौका मिलेगा। फर्जी क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भारतीय के 100 करोड़ ठगे, मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कप्तान रानी रामपाल बाहर। इंग्लैंड में नजर आए विराट कोहली की लीडरशिप, प्रैक्टिस शेष के बाद खिलाड़ियों को दी मोटिवेशनल स्पीच। एशियन ब्रैडमैन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती।
डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 16,000 रन। रिंकी पोंटिंग, स्वीट वा और जैसे दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की तैयारियों को लग सकता है झटका। कोहली हो चुके कोरोना संक्रमित। फाइनल से पहले नहीं भिड़ेंगे नडाल। जोकोविच विम्बलडन ने कोचोविच को मिली टॉप स्पीड। श्रीलंका 30 साल बाद घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीता। चौथे मैच में कंगारू टीम को 4 रन से हराए। फिटनेस हासिल ना करने में नाकाम रानी रामपाल को भारत की महिला हॉकी टीम में नहीं मिली जगह। आईपीएल के लिए बड़ी विंडो मिलने की बात पर भड़के शाहिद अफरीदी। आईसीसी पर लगा दिया आरोप, कहा आईसीसी सबसे बड़ा बाजार खत्म है। महज 6 दिन में एवरेस्ट चोटी फतह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर्वतरोही नरेंद्र सिंह ने पहले फहराया तिरंगा फिर गाया राष्ट्रगान। पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना के किरदार शिवल्ली की हो जाएगी मौत। इस अफवाहों पर अब प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा का टीजर हुआ लॉन्च, तो 24 जून को रिलीज होगा ट्रेलर। सिंह चिन्मयी श्रीपदा ने दिया जुड़वा बच्चे को जन्म। सोशल मीडिया पर शेयर की फैंस के साथ खुशखबरी। भारी बारिश में आमिर खान ने बेटे आजाद के साथ खेला फुटबॉल, दिखी बाप बेटी की जबरदस्त बॉन्डिंग। केरल हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में विजय बाबू को दी अग्रिम जमानत। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का ट्रेलर हुआ रिलीज। भाई बहनों उसके बेशुमार प्यार पर बनी है फिल्म। नागा चैतन्य के अफेयर की खबरें फैलाने के आरोप पर सामंथा ने दिया जवाब, बोली हम आगे बढ़ गए हैं। आदित्य रॉय कपूर ने शेयर किया फिल्म का बीटीएस वीडियो, जबरदस्त एक्शन अंदाज में दिखे एक्टर। आमिर खान की फिल्म के साथ टकराव पर बोले अक्षय कुमार, ये क्लैश नहीं है बड़ा दिन है। कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच मनमुटाव हुआ खत्म, दोनों अवार्ड इवेंट में मस्ती करते नजर आए। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।